हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एज ऑलवेज। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने थर्मोडायनामिक्स का पार्ट टू ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थ्री के बारे में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले आप पार्ट वन पार्ट टू को देख लीजिए, और अगर आप देख चुके हैं तो अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जैसे आप सब जानते हैं, इसके पहली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल एंड पाथ फंक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ अ कंडीशन। आपको मैं ये सब कुछ यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, इसका निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ, इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जब थर्मोडायनामिक वेरिएबल जैसे किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कौन से पैरामीटर्स होते हैं। जी हाँ, वो होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और ये सारे जब टाइम के साथ कांस्टेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और अगर वो चेंज हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सिस्टम इज़ नॉट इन टू द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक पिस्टन। ठीक है, अब जानते ही हैं पूरे चैप्टर में हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया एक पिस्टन। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली ये सिलेंडर है, सिलेंडर में हम फिट करेंगे एक पिस्टन। तो ये हो गया एक पिस्टन। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर है गैस, उसे भी हम दिखा देते हैं। ये गैस पार्टिकल ज्वाइंट हुए दिख गए, इसे तो हटाना होगा। जी हाँ, आप कुछ सही है ये। ठीक है, बेसिकली जो गैस दिखाने का यहाँ पे पर्पज़ है उससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सिस्टम है वो हमारा गैस है। ठीक है, तो गैस का ऑब्वियसली नो डाउट ये गैस का कुछ टेम्परेचर होगा T1, इसका वॉल्यूम होगा V1, और इसके गैस का कुछ प्रेशर भी होगा P1। ठीक है, अगर अगर ऑब्वियसली गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे N1, और गैस आप देख रहे हो और ये एक एनक्लोज है पिस्टन में, पिस्टन और ये सिलेंडर में, तो सिंपल सी बात है जो अपना N1 है ये तो टाइम के साथ कांस्टेंट होने ही वाला है। तो अगर अगर मैं देखता हूँ कि P1, V1 और T1 टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है, टाइम के साथ मीन्स एट एवरी सेकेंड दे आर व्हाट कांस्टेंट, देन आई कैन से द सिस्टम इज एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चे सोच लेते हैं कि जो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स होगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं, मैंने बोला टाइम के साथ वो क्या होते हैं, फिक्स। मान लीजिए अब ये सिस्टम में कुछ चेंजेस हो गया, अब ये जो पिस्टन है इसे फिर मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ये वही पिस्टन मैं फिर ले लेता हूँ। ठीक है, और वही गैस, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ये देखिए सर, लेकिन पिस्टन थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मान लीजिए वही है फिर, और वही गैस भी यहीं पे है, वो गैस भी यहीं पे है। ठीक है, ये गैस यहीं पे है। ओके, मान लीजिए अभी जो पिस्टन है ना ये मूव कर रहा है, पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ये पिस्टन की जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा शेडेड दिखा देता हूँ, मतलब ऐसे फिक्स नहीं है ये। ओके, आप देख रहे हैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डीम होते जा रहा है, मतलब इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। और पोजीशन फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या, पोजीशन फिक्स नहीं है इससे हम क्या कहना चाहते हैं कि प्रेशर अभी भी वेरिएबल है, टेम्परेचर अभी भी वेरिएबल है, वॉल्यूम अभी भी वेरिएबल है। मतलब मान लीजिए ये मैंने 5 PM को ऑब्जर्व किया था और ये 5:30 को देख रहा हूँ मैं,
और 5:30 को मैं क्या देख रहा हूँ कि पिस्टन अभी भी मूव कर रहा है, और पिस्टन के मूव करने का सिंपल सा मतलब मैं आपको बताऊँ तो प्रेशर फिक्स नहीं है, टेम्परेचर फिक्स नहीं है, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। चलिए मैं प्रेशर की भी वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिए ये था 1 एटमोसफियर, ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। इसमें इसमें जो गैस का अमाउंट है वो तो फिक्स रहेगा, और मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो है समवॉट अराउंड, टेम्परेचर जो है वो समवॉट अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो है सपोज 10 ml। ओके, आप यूनिट पे मत जाइए, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पिस्टन का स्टेट था, कौन सा? ये स्टेट 1 है, और अभी जो आप देख रहे हैं वो स्टेट 2 है, ठीक है। लगे हाथ अब हम स्टेट 3 भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर वही सिस्टम लेता हूँ मैं, ये ऐसे सिलेंडर हो गया और ये आ गया उस पे पिस्टन, थोड़ा सा जो कलर है इसकी तकलीफ हो जाती है कभी कभी। मान लीजिए जो पिस्टन है वो कुछ अब अलग पोजीशन पे आ चुका है। सर आपने तो सिलेंडर की साइज़ बढ़ा दी, सर ये तो चीटिंग है। जस्ट समझने की कोशिश करो, मैं केमिस्ट हूँ, केमिस्ट्री टीचर, नॉट अ चित्रकला टीचर कि चित्र अपने अच्छे होंगे। जी हाँ, अच्छे होते हैं, कुछ टीचर हैं महान टीचर जिनकी ड्राइंग विंग काफ़ी अच्छी होती है, बट हम उनमें से नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं। येस ऑब्वियसली नो डाउट सर, इम्प्रूव करना चाहिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कोशिश क्या, हर बार चाहूँगा कि वो अच्छी ही बने। तो ये देखिए, ये वापस वही गैस पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है, कुछ भी वैल्यू मैं देता हूँ उससे आपको रिलेट नहीं करना है कुछ भी, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। अब ये नहीं कि सर ने अगर टेम्परेचर इतना दे दिया तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा, शायद प्रेशर बढ़ गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको वैल्यूज़ देखना है। ये देखिए, पहले केस में ये वैल्यू थी प्रेशर की 1 एटमोसफियर में, टेम्परेचर क्या था 25 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम कितना था 10 ml, ठीक है। अब मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ पे आ गया 13 ml, वॉल्यूम क्या आ गया 13 ml, और जो प्रेशर है, नाउ द प्रेशर इज समॉट अराउंड, जो यहाँ पे प्रेशर है अब ये 0.85 एटमॉस्फियर है, 0.85 एटमॉस्फियर है, और जो टेम्परेचर है दैट इज समॉट अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये पिस्टन जो है यहाँ पे मूव कर रहा था, नाउ इट इज़ फिक्स्ड या फिर इट इज़ नॉट मूविंग, और यहाँ पे पहले केस में भी क्या था? फिक्स्ड। तो अगर आप पहले केस को देखें ध्यान से, तो यहाँ पे कितना प्रेशर था? जी हाँ, 1 एटमॉस्फियर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना था वॉल्यूम? जी हाँ, 10 ml। और ये कब की बात है? जी हाँ, ये 5 बजे की बात है, और ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज़ एक्सट्रीम राइट पे, ये 6 o'clock की बात है, 6 PM की बात है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा यहाँ की वैल्यू, वॉल्यूम अब कितना हो गया? जी हाँ, 13 ml, ओके। और टेम्परेचर कितना हो गया? 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना हो गया? 0.85 एटमॉस्फियर। तो आप देखेंगे पहले के कंपेयर में प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपको ये नहीं देखना है कि सर अब तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये P1 V1 T1, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, तो सर ये तो कॉन्स्टेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि ये इसकी कंडीशन थी, ये इस सिस्टम की, हमारा जो गैस वाला सिस्टम है जो कि सिलेंडर और पिस्टन के अंदर इंक्लोज है, वो 5 बजे ये स्टेट में था और 6 बजे ये स्टेट में है। तो उसकी ये स्टेट पे उसके सारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट थे, मतलब 5 बजे अगर आप देखेंगे तो प्रेशर 1 एटमोसफियर है, ओके, प्रेशर 1 एटमॉस्फियर है, जो वॉल्यूम है उसका 10 ml है, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। बट अगर वही 6 बजे देखें तो उसका प्रेशर अब 0.85 एटमॉस्फियर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और वॉल्यूम 13 ml है। मतलब टाइम के साथ, 6 o'clock के साथ ये सब कुछ अब क्या हो गया है? फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे भी सब कुछ क्या था पहले? फिक्स। लेकिन यहाँ पे ये सब क्या था? वेरिएबल, मतलब ये चेंज हो रहा था। तो ये जो पहली कंडीशन है, ये जो पहली कंडीशन है, ये
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की जैसी है, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की, लेकिन ये मिडिल वाली कंडीशन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो क्या होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? जो स्टेट फंक्शन है दैट इज टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। यहाँ पे पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा था तो जो स्टेट वेरिएबल थे वो टाइम के साथ चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। कौन सी केस में? जी हाँ, 5 o'clock वाली और 5 PM और 6 PM वाली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कुछ प्रोसेस के बारे में। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं प्रोसेस। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, जो पिस्टन था हमारी वो पहले कंडीशन में था और पहले से वो थर्ड पे गया। तो पिस्टन को मतलब जो सिस्टम है उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ले जाने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए भी हम ले लेते हैं एक पिस्टन। मान लीजिए ये पिस्टन हो गया, जी हाँ सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन होगा, ओके। और इसके अंदर हमने क्या ले लिया है? गैस। ये गैस एनक्लोज है और ये गैस का जो है टेम्परेचर वो सारा क्या है? P1। टेम्परेचर सॉरी प्रेशर जो है P1, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। और इसे फिर आप एक दूसरी कंडीशन में लेके जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वही वापस पिस्टन, और यहाँ पे आपने क्या किया? जी हाँ, सिंपली जो पिस्टन के अंदर गैस थी वो वही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है कुछ भी। ठीक है, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो पिस्टन का पोजीशन है वो थोड़ा चेंज हो गया है, पिस्टन का पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया है, गैस वही है। तो अब जो वॉल्यूम है वो V2 हो चुका है, और मान लीजिए मैंने बोला कि जो प्रेशर है वो अभी भी P1 है, लेकिन टेम्परेचर अब क्या हो चुका है? T2। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया? T2। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर था, यहाँ पे जो प्रेशर था 1 एटमॉस्फियर था, और यहाँ पे प्रेशर जो है अब वो हो चुका है 1.2 एटमॉस्फियर। जी हाँ, मैं गैस के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। बाकी टेम्परेचर जो वॉल्यूम यहाँ पे था वो वॉल्यूम यहाँ पे, मतलब V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, और मान लीजिए कि टेम्परेचर में भी थोड़ा चेंज हो गया है। टेम्परेचर यहाँ पे कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना हो गया है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पहली कंडीशन देख रहे हैं आप, फर्स्ट केस, ये सिस्टम की स्टेट 1 है, और उसे आप कहाँ पे लेके गए? जी हाँ, स्टेट 2 पे। किस पे लेके गए? स्टेट 2। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 जब आप लेके गए तो आप देख रहे हैं प्रेशर को आपने चेंज किया। प्रेशर कितना था? 1 एटमॉस्फियर, यहाँ पे कितना हो गया? 2 एटमॉस्फियर। टेम्परेचर यहाँ पे कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। बट आपने बताया कि यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो जो सेकेंड वॉल्यूम है उसके बराबर है, बट ये लग तो नहीं रहा है। जी हाँ, ये तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है। तो सिंपल एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं। मान लीजिए V1 V2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए कुछ 10 ml है गैस का, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए 8 ml है। और इसके लिए किसी एक को तो मैं इक्वल कर देता हूँ। मान लीजिए दोनों केसेस में जो हमने प्रेशर रखा है, जो प्रेशर रखा है उसे मैं सेम कर देता हूँ। मान लीजिए पहले केस में जो प्रेशर रखा था हमने वो 1 एटमॉस्फेयर था, मान लीजिए अभी भी सेकेंड केस में भी जो प्रेशर है दैट इज़ समवॉट अराउंड 1 एटमॉस्फेयर ओनली। तो जरा आप स्टेज 1 और स्टेज 2 को कंपेयर कीजिए, या फिर स्टेट 1 स्टेट 2 को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं 10 ml है, अभी यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? 8 ml। मतलब V1 इज़ ग्रेटर देन V2। मतलब सिंपल इससे मैं क्या कह सकता हूँ? आई कैन से दैट वॉल्यूम हैज़ चेंज्ड, वॉल्यूम हैज़ चेंज्ड। और कब वो चेंज हुआ? जी हाँ, जब मैं अपने सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जा रहा था। एक स्टेट पे दूसरे स्टेट पे लेके जाने का मतलब क्या? मैंने प्रोसेस किया। अरे भैया, कुछ तो किया मैंने।
आई डिड समथिंग बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई रीच टू स्टेप टू। आया ना, आप पहले आपको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता था, आपने 15 दिन की ज़बरदस्त पढ़ाई की और फिर आपको केमिस्ट्री आने लगा, तो सिंपल आपने एक प्रोसेस किया ना। कौन सा प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस। अब ठीक है, अब वो लर्निंग प्रोसेस कैसे किया? क्या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई की? क्या आपने किसी ट्यूटर को हायर किया? तो प्रोसेस कैसे किया उसके ऊपर डिसाइड होगा टाइप ऑफ प्रोसेस। तो आप एक चीज़ सीख गए, एक चीज़ सीख गए कि इन ऑर्डर टू चेंज द सिस्टम फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टेट टू अनदर स्टेट वी डू समथिंग एंड दैट डूइंग इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक है, एंड प्रोसेस इज डील्ड अंडर सर्टेन कंडीशन। अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो गया। अब आप टेम्परेचर देख लीजिए, तो टेम्परेचर T1 जो कि है वो T2 से कम है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। बट अगर आप प्रेशर को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे प्रेशर P1 था, यहाँ पे प्रेशर अभी भी P1, मतलब समॉट अराउंड कितना है? 1 एटमॉस्फियर। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे P1 P1 ही लिखा है, बाकी V1 T1 को यहाँ पे V2 T2 कर दिया है। मतलब प्रेशर अभी भी क्या है? सेम है। मतलब ये जो प्रोसेस किया गया है इस पे प्रेशर कांस्टेंट रह गया है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस पे मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। तो आप प्रोसेस को कैसे कराते हो उसके ऊपर प्रोसेस का क्लासिफिकेशन होता है। और प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है? जी हाँ, प्रोसेस ज़रूरी होता है सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लाने के लिए। अब सर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो आगे चल के आप पढ़ोगे, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे कार स्टार्ट होने के पहले और कार स्टार्ट हो जाने के बाद इंजन की जो कंडीशन होती है वो अलग-अलग होती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से। तो ये प्रोसेस में आपने क्या देखा? पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर था गैस का वो कांस्टेंट था। सर लेकिन गैस के पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे सर तो प्रेशर बढ़ जाए। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर जो था गैस का वो कांस्टेंट था, और इसीलिए इस ऐसे सच प्रोसेस को या फिर ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसो आइसो बैरिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? आइसो बारिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम या फिर कांस्टेंट, और बारिक मतलब प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? जी हाँ, बार। इसीलिए इस प्रोसेस को कहेंगे आइसो बारिक। सर इसके कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल दीजिए। जी हाँ, वो सारे प्रोसेस जिसमें जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। हालांकि मैंने यहाँ पे गैस का प्रेशर लिया था। एक चीज़ और आप देखेंगे, तो अगर आप सराउंडिंग का भी प्रेशर ले सकते हैं, किसका ले सकते हैं? सराउंडिंग का प्रेशर, मतलब प्रेशर जो पिस्टन के ऊपर लग रहा था उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो प्रेशर है यहाँ पे, ये जो प्रेशर है इसे भी आप ले सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर। तो आइसोबेरिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसमें मैं लूँगा सराउंडिंग का जो प्रेशर का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप ज़रा ध्यान से सोचिए, आप जब लेबोरेटरी में सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या उसमें प्रेशर चेंज होता है? जी हाँ, अगर आप एग्जॉस्ट सिस्टम के नज़दीक नहीं हैं, पूरे लैब के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फिक्स होता है, दैट इज 1 एटमॉस्फियर। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ऑल द एक्सपेरिमेंट विच आर डील्ड अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ या फिर कॉमन रूफ आर कॉल्ड एज आइसोबेरिक प्रोसेस। ऐसे सारे प्रोसेसेस जो लेबोरेटरी में आप करते हो वो सारे आइसोबारिक प्रोसेस होते हैं, क्योंकि पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही क्या बता दिया? जी, आइसो बारिक प्रोसेस बता दिया। ये देखिए, चेंज इन प्रेशर इज़ ज़ीरो। अब ये चेंज इन प्रेशर कैसे आया? तो उसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए ये जो कंडीशन थी, ये जो स्टेट टू था, इस पे मैंने P1 लिया था, मान लीजिए इसे मैं P2 कर देता हूँ। ऐसा मान लेता हूँ कि ये स्टेट टू का प्रेशर है। तो अगर आप देखें तो P2 - P1 करें तो वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि P2 और P1 क्या है? सेम। तो इसी को मैं कहता हूँ डेल्टा P इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब P में जो चेंज है वो ज़ीरो रहेगा। और याद रखिएगा, पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर बीच में चेंज हो जाएगा तो चलेगा। जी नहीं, थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। इसे मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, और हमें इसके लिए बनाना है आइसो बारिक प्रोसेस के लिए। तो ये प्रेशर और से टेम्परेचर, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर। मान लीजिए इसमें इसमें पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हमने एक प्रोसेस कराया जिसमें ये प्रोसेस कुछ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है। तो अगर आप देखें, आप इसे लाइन ड्रॉ करें, तो इस पे
इस पे ए और बी ऑलमोस्ट सेम आते हैं, मतलब जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर आप इसे पी वन मान ले और इसे पी टू मान ले तो क्या हो जाएगा, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाइए, मान लीजिए 5 एटमॉस्फेयर है, तो 5 AB होगा और 5 BB भी होगा, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो सर ये कौन सा हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कैसे? अब आप सेकेंड कंडीशन देखिए, ये ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी, ठीक है। अब हमने प्रोसेस कुछ ऐसे किया, ए से बी तक गए, ठीक है, और ये वाला पाथ ही फॉलो किया, और इस पे अगर आप देखें तो ये पी का वैल्यू है, मतलब यही हमारा पाथ है, पहले पाथ ये था, अब पाथ ये। तो आप देख रहे हैं थ्रू आउट जो प्रेशर की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आया है, तो ये जो ग्राफ है वो सही है। सिर्फ इनिशियल और फाइनल नहीं देखना है आपको, इनिशियल और फाइनल तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक जो छोटा छोटा प्रेशर का वैल्यू है जिसे हम DP कहते हैं वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं इससे आप टेस्टिंग कर सकते हो अपने फ्रेंड्स की या फिर किसी के भी नॉलेज की, कि उनका नॉलेज कैसा है। वो मानते हैं कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल ही सेम होता है, जी बिल्कुल नहीं, पूरा प्रोसेस जब भी होगा उसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये जो कंडीशन मैंने बताया, ये सारे पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, और इसे ही कहते हैं हम आइसो बारिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ, जिसे मैं नाम से ही आपको समझा दूंगा। तो ये देखिए अब नेक्स्ट क्या आता है, आइसो थर्मल प्रोसेस। तो थर्म मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, टेम्परेचर। हालांकि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग थर्म को एज एन हीट भी लेते हैं, बट फिलहाल के लिए तो आप टेम्परेचर मान के चलिए। इट इज़ द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या थ्रू आउट, हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकेंड पे। इन सच प्रोसेसेस हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। मतलब अगर गैस इनक्लोज है पिस्टन में तो गैस का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा। अगर पिस्टन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, मतलब अगर ये पिस्टन मान लीजिए इसके अंदर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ओके, ये आपका सिस्टम हो गया और इसके अंदर ये गैस है, मान लीजिए आपने दो गैसेस को मिक्स कर दिया, और अगर अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया और आप चाहते हो कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो सिंपली ये क्या करेगा, ये हीट को बाहर फेंक देगा, हीट को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। बट अगर अगर कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए इसके अंदर क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, इसको हीट चाहिए, मतलब अंदर कुछ हुआ और अंदर जो भी हीट थी, जी हाँ पिस्टन के अंदर की बात कर रहा हूँ, ओके, ये सिस्टम अंदर ये कुछ ऐसा रिएक्शन कर रहा है कि इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो सिंपली उस केस में ये बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते रहते हैं, बट डेल्टा टी जो है वो ज़ीरो रहेगा। कैसे, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का रिलीज एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, लेकिन पर्पस क्या है, जी हाँ टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना, ठीक है। तो ये देखिए, फॉर अ गिवन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा यू जो है ये इंटरनल एनर्जी है। अब देखिए, अब फिलहाल के लिए तो आप इसे सिर्फ याद रखिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है ये ज़ीरो होती है। आगे चल के मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा जब मैं इंटरनल एनर्जी सिखाऊंगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, और जो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, जी हाँ टेम्परेचर के ऊपर, ओके। तो ये मैं प्रूफ करूंगा, फिलहाल के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सर ऐसे रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल बताइए, ऐसे रिएक्शंस का कुछ एग्जाम्पल बताइए जो कि ऐसे वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। आइसोथर्मल का तो आप एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल, जैसे हमारी बॉडी है वो टेम्परेचर मेंटेन रखती है,
जब भी गर्मियों का टाइम आता है तो वी स्वेट अलॉट, क्यों? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। तो हमारी बॉडी कौन से टाइप की है? जी हाँ, आइसोथर्मल, 37 डिग्री सेल्सियस अंदर मेंटेन रखने की कोशिश करती है। आइसोकोरिक के लिए आप ले सकते हैं ऑल दोज रिएक्शन विच आर डील्ड इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर, सर ये भी तो क्लोज ही कंटेनर था। जी हाँ, क्लोज रिजिड कंटेनर, क्लोज रिजिड कंटेनर। रिजिड कंटेनर मतलब जिसमें जिसमें ये पिस्टन नहीं होगा, जिसकी जो बाउंड्री होगी, जिसकी जो बाउंड्री होगी वो रिजिड होगी। क्या होगी? रिजिड मतलब वो मूव नहीं करती होगी। मतलब मान लीजिए ये मैंने पिस्टन ले लिया, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर, ओके, और इसे मैंने फिट कर दिया नट बोल्ट से। किससे? नट बोल्ट से इसको फिक्स कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? क्लोज कंटेनर, और इसके अंदर क्या है? गैस भरी हुई है। तो ये पूरे प्रोसेस के टाइम पे जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या होगा? फिक्स। वॉल्यूम विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इट विल नॉट चेंज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है ना, बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग वाला है। इसीलिए आपने देखा था कम्युनिटी में मैंने लिख के दिया था आपको द पापा चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों? सच में इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को नहीं होती, और ये जो इसका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली फिजिक्स से है, तो आपको फिजिक्स के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए। बेसिकली ऐसे इट इज़ डील्ड विथ इंजीनियर्स, ओके, वैसा है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो सारे रिएक्शन जो क्लोज कंटेनर में होंगे, ओके, क्लोज कंटेनर मतलब जी हाँ, जिनकी जो वॉल होनी चाहिए वो रिजिड होनी चाहिए, तभी मतलब मूव नहीं करनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये देखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 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 हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नीदर अलाउड टू एंटर, नीदर अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। मतलब ये सिस्टम के ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान जो क्यू है वो 0 रहेगा, जो क्यू है वो 0 रहेगा। मतलब जो क्यू में चेंज है, हीट में जो चेंज है वो 0 रहेगा। जी हाँ, ये सिस्टम की हीट है, मतलब सिस्टम की हीट है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको एक पिस्टन से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। मान लीजिए मैंने कोई सिस्टम ले लिया और सिस्टम के अंदर गैस इनक्लोज्ड है। वही हमारा सिस्टम तो आपको पता ही है, कब से घिसे जा रहे हैं एक ही चीज़ कि पिस्टन होगा यहाँ पे। ओ तो ये मान लीजिए हो गया हमारा सिलेंडर। अब इसके अंदर लेते हैं हम पिस्टन, ओके, और इसके अंदर मैंने गैस ले लिया। क्या ले लिया? गैस, ठीक है। तो अब आपको क्या कराना है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो वॉल होगी, ठीक है, ये जो वॉल होगी, ये एडियाबेटिक होगी। क्या होगी? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब इसके अंदर ना तो हीट आ सकती है और ना ही हीट जा सकती है। मतलब हीट इज नीदर अलाउड टू एंटर नॉर लीव द सिस्टम, ठीक है। ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, मतलब जिसमें आप हीट को अंदर भी ना आने दें और हीट को बाहर भी ना जाने दें। अब यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा डाउट आता है बच्चों को कि सर अगर अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, मतलब गैस ने ऐसा कुछ किया कि वो हीट रिलीज करना चाहती है, तो सिंपल हीट बाहर नहीं आएगी, अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और अगर इसी का ऑपोजिट अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, क्या हुआ? एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो सिंपल सी चीज़ क्या होगी? जी हाँ, टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब द वन विच डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट। और आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि यू शुड नॉट कंसिडर एवरी टाइम इफ अ सिस्टम के नॉट एक्सचेंज हीट, इट मीन्स इट के नॉट इवन एक्सचेंज दी एनर्जी, ठीक है। देखिए एनर्जी का आगे हम एक और फॉर्म पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं वर्क, ठीक है।
तो इन शॉर्ट इसमें ना तो हीट अंदर आएगी और ना तो हीट बाहर जाएगी। सर आपने यहाँ पे एक एनर्जी वाला और एक फंडा बताया। जी हाँ, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है वर्क के फॉर्म में भी, ठीक है, आगे चल के हम ये प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस में ना हीट अंदर आती है और ना बाहर जाती है। अंदर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो सिस्टम होगा ये आइसोलेटेड होगा या नहीं? तो आपको इसका जवाब देना है, एस इट इज येस और नो, ठीक है। इससे मैं पता करूँगा कि आपका इंटेलेक्चुअल कितना है, आप कितने डेप्थ में सोच सकते हो कि क्या ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड होगा या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो याद रखना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट है उसे ना तो अंदर आने दिया जाता है और ना तो बाहर जाने दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं काफ़ी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड लोगों को काफ़ी डाउट रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।